अच्छा जी, ये सीपीयू का अंदर का व्यू है, देख लीजिए इसमें। ज़्यादा इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कैटेगराइज हुआ है, चार चीज़ें हैं जो मेन नज़र आ रही हैं हमें। एक ये है पावर सप्लाई, दूसरा है ये ग्रीन कलर का बोर्ड, इसे मदरबोर्ड कहते हैं। चौथा है ये साइड पे बॉक्सेस बने हुए हैं, ये ऊपर वाली साइड जो है वो डीवीडी रोम लगाने के काम आती है, नीचे वाली साइड पे हार्ड ड्राइव लगती है। बाकी ये ब्लैक कलर के जो पंखे नज़र आ रहे हैं ये अलग अलग हैं, ये प्रोसेसर के लिए फ़ैन लगा हुआ है और ये दूसरा सीपीयू को ठंडा रखने के लिए फ़ैन लगा हुआ है। ठंडा इसलिए क्योंकि ये प्रोसेस ऐसे होते हैं कि ये डब्बा बंद भी होता है तो ये गर्म बहुत हो जाता है, इसलिए इसमें पंखे लगाए जाते हैं। अच्छा जी, पावर सप्लाई में ये जो बॉक्स बना हुआ है ये पावर सप्लाई है, इसका काम है पूरे सिस्टम को करंट पास करना। मेन तार इसी में लगती है, इसके बाद यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ मदरबोर्ड पे जाता है, सीडी रोम में जाता है, फैंस में जाता है, हार्ड ड्राइव में जाता है, तो अलग अलग जगहों पे ये वोल्टेज के हिसाब से करंट पास कर रहा होता है। कौन सी तार किस में लगती है इसका जिक्र हम थोड़ा आगे चल के करेंगे। अच्छा जी, मदरबोर्ड, ये ग्रीन कलर का जो बोर्ड है इसे मदरबोर्ड कहते हैं, इसकी डिटेल थोड़ी लंबी है इसलिए इसको हम आगे चल के आपको बताते हैं। फ़ैन का यह है कि फ़ैन आप देख लीजिए, फ़ैन इस तरीके से लगा हुआ है, जो साइड पर फ़ैन है वो प्रोसेसर के लिए है और जो ये सीपीयू के साथ लगा हुआ है वो सीपीयू को ठंडा रखने के लिए आता है, जैसा मैंने पहले आपको बताया। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि अगर आप हार्ड ड्राइव एक्स्ट्रा लगा रहे हैं या एक्स्ट्रा सीडी रोम लगा रहे हैं या सिस्टम आप असेंबल कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ का ख्याल रखना है कि जो तारें हैं वो प्रॉपर अपनी अपनी जगह पे बंधी भी हो, कोई भी तार इन फैंस में फंसे नहीं, क्योंकि अगर ये फैन रुक गए तो फिर हो सकता है हीटअप होने की वजह से आपका सिस्टम बंद हो जाए, तो इस चीज़ का खास आपने ख्याल रखना है। चलें अब हम अगले पे चलते हैं। ये हमारा मदरबोर्ड है, घबराएं नहीं, ये एक बोर्ड उठाया है हमने जो डिसम्बल हुआ हुआ है, इसमें जो चीज़ें होती हैं वो बस आपको दिखानी है, इस वजह से हमने इसको अलग से निकाल के आपको दिखाया है। इसमें पाँच चीज़ें खास हैं जो आप देख लीजिए। नंबर वन पे है, इसको देख लें कि ये प्रोसेसर स्लॉट है, यहाँ पे प्रोसेसर लगता है और प्रोसेसर इस तरह का होता है और इस तरह लगता है और उसके बाद इसके ऊपर फ़ैन लगता है तो फिर वो इस तरह नज़र आता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे क्योंकि ये हार्डवेयर की क्लास नहीं है, इस आपको जस्ट सिर्फ इंट्रोडक्शन कराना है, चीज़ों की पहचान कराना। दूसरा आ जाते हैं रैम, ये जो स्लॉट्स बनी हुई हैं इनको रैम स्लॉट्स बोलते हैं, ये होती है रैम और ये इस तरह इसमें लग जाती है और लगने के बाद इस तरह नज़र आती है। ठीक हो गया, इसके बाद ये जगह है, ये जो रेड कलर के छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं ये हैं साटा डेटा केबल स्लॉट्स, साटा की जो हार्ड ड्राइव होती है उसकी डेटा केबल यहाँ लगती है। ठीक है, ये ब्लू कलर का एक और स्लॉट नज़र आ रहा है आपको, ये आईडी केबल स्लॉट होती है। तो अब ये साटा क्या है, आईडी क्या है, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये तीन चार स्लॉट्स आपको अलग से नज़र आ रही हैं, वाइट कलर की, कुछ ब्लैक कलर की, ये पीसीआई स्लॉट्स कहलाती हैं, इनमें कार्ड्स वगैरह लगते हैं, गेमिंग कार्ड, ग्राफिक कार्ड, एक्सपर्ट, इसका भी जिक्र हम अपनी अगली वीडियोज़ में करेंगे। अच्छा, ये एक छोटा सा सेल आपको नज़र आ रहा है, ये कंप्यूटर में लगता है इसलिए क्योंकि जब सिस्टम ऑफ होता है, पावर निकली हुई होती है तो सिस्टम के अंदर जो अपनी डेटा होता है, जैसे हमने उसको बताया था कि इतनी हार्ड ड्राइव है, इतने सीडी रोम लगे हुए हैं, तो उसको वो सेव रखता है, ख़ास तौर पे डेट और टाइम को ये सेव रखता है विदाउट एनी पावर। तो अगर आपका सिस्टम बार बार डेट चेंज कर दे, आउटडेट हो जाए, तो इसका मतलब सेल कमज़ोर हो गया। चल अब थोड़ी सी डिटेल में चलते हैं। डिटेल का ये सीन है कि प्रोसेसर, ये आपको मैंने दिखाया प्रोसेसर, प्रोसेसर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूँ समझें कि ये कंप्यूटर का दिमाग है, यहाँ से सारा काम प्रोसेस होकर आगे बढ़ता है, ये जितना फास्ट होगा प्रोसेस उतना फास्ट होगा। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं रैम पे। रैम का इस तरीके से समझ लें कि रैम एक तरह से सिस्टम की पावर है, एनर्जी है वो उसकी, वो जितनी रैम ज़्यादा होगी सिस्टम उतनी तेज़ काम करेगा, मतलब जो सामने आपका काम हो रहा होता है वो ज़्यादातर रैम पे डिपेंड कर रहा होता है, कुछ प्रोसेस जो हैं वो प्रोसेसर पे डिपेंड कर रहे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो रैम पे। तो रैम आपके प्रोसेसर के हिसाब से जितनी ज़्यादा रखें उतना बेहतर है आपके लिए।